कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ के पार, देश भर में जश्न मनाने की तैयारी, सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार। बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे शाहरुख खान, मुंबई के आर्थर जेल रोड पर पहुंचे, 15 मिनट तक हुई दोनों की बातचीत। देहरादून पहुंचे अमित शाह, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों से करेंगे बातचीत। अमेठी में प्रशासन के दावों की कुली, पोल सड़कें गड्ढों में हुई तब्दील, प्रशासन ने शुरू किया सड़क मरम्मत का काम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर भारत ने आज इतिहास रच दिया है और इस मौके पर कई जगह जश्न मनाने की तैयारी है। इसके तहत आपको बता दें कि देश भर में कार्यक्रम भी आयोजित कर टीकाकरण में योगदान देने वालों का आभार जताया जा रहा है। वहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई देते हुए कहा है कि मैं उन सभी को बधाई देता हूँ जो कोरोना की वैक्सीन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ जुड़े और भारत को कोरोना मुक्त होने की परिकल्पना अपना को सरकार साकार करने में मदद की। तो ऐसे में आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है और इसीलिए देश भर में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। 100 करोड़ का टीकाकरण भारत ने कर लिया है और उसको भी पार कर चुका है भारत। ऐसे में साथ ही आपको बता दें कि देश भर में जगह जगह तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी आरएमएल अस्पताल में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य कर्मियों का आभार वो व्यक्त कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई दी। और ऐसे में बधाइयों का दौर भी अब शुरू हो चुका है, तमाम ट्वीट्स भी लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई देश और दुनिया में की जा रही है। आपको बता दें कि इस टीकाकरण अभियान को के 100 करोड़ पूरा होने पर भूटान ने भी भारत की तारीफ की है। तो ऐसे में WHO की तरफ से भी तारीफ भारत की गई है। तो दुनिया में आज ये भारत ने इतिहास रच दिया है और इसीलिए दुनिया भर से भारत को बधाई मिल रही है। तो ऐसे में आज कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ के पार हो चुका है, जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा है और इसीलिए दिल्ली में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। RLM अस्पताल में ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अस्पताल में पहुँचे। साथ ही ऐसे में आपको बता दें कि आज पूरे भारत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, चर्चा हो रही है क्योंकि भारत ने बेहद ही कम समय में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज भारत ने इतिहास रच दिया है, 100 करोड़ का टीकाकरण पूरा कर लिया है भारत ने, गाजियाबाद में क्या कुछ इसको लेकर कार्यक्रम हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के बूथ लेवल पर इस प्रोग्राम को बढ़ाया गया है कि जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा था उसको लेकर लगातार प्रोग्राम जो है छोटे छोटे लेवल पर उसको जश्न मनाया जा रहा है। और उसका एक बड़ा स्तर ये है कि बीजेपी कार्यालय हो या फिर बीजेपी के जितने समस्त ऑफिस हो उसको उस लेवल से मनाया जा रहा है कि लोग इससे जागरूक हो रहे हैं कि अब तक 100 करोड़ लोगों का टीका लगा है, इसके बाद आगे भी लगेगा। बिल्कुल जितेंद्र, अगर गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो अब तक कितने परसेंट लोगों को टीका लग चुका है वहाँ पर? देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो अमूमन लगभग हर एक व्यक्ति ऐसा है जो टीका लग चुका है, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो बाहर रहे हैं या फिर किसी कारणवश नहीं लगवा पाए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन उनके लिए भी सरकार लगातार, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, उनको लगातार मैसेज कर रहे हैं, उनको लगातार जागरूक कर रहे हैं कि जिसको टीकाकरण नहीं हुआ है वो भी अपना टीका जरूर लगवाएं। जी
बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए आज अगर ये इतना बड़ा टीकाकरण का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है, 100 करोड़ के पार टीकाकरण हो चुका है भारत में, लेकिन देखिए कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। सरकार तो लगातार लोगों को जागरूक करती है, लेकिन कुछ जगह पर लोग कतरा रहे हैं, भ्रम है। तो क्या गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज तो ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं जो लगातार सरकार पर निशाना साधते हैं, वो खासकर विपक्ष पार्टियों से अपना संबंध रखते हैं, वो लोग टीकाकरण को लेकर थोड़े से असमंजस में है कि उनके राजनेता अगर नहीं लगवा रहे हैं तो वो भी नहीं लगवाएंगे। इसके अलावा एक चीज और निकलकर सामने आई, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में टीकाकरण की संख्या किस तरह से बढ़ाई जा रही है उसको लेकर एक मामला सामने आया, जबकि गाजियाबाद में एक शास्त्री नगर के रहने वाले एक बुजुर्ग थे जिनको पहला टीकाकरण मार्च में लगाया गया था, मई में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन 18 अक्टूबर को उनके बेटे के मोबाइल पर मैसेज आता कि आपके पिताजी को हमने दोबारा दूसरी डोज लगा दी है। तो कुछ इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं, फर्जीवाड़ा भी इसमें निकल कर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा भी इसमें निकल कर आ रहा है, और जिसमें खुद बीजेपी के पार्षद या फिर बीजेपी के उच्च जो वो अहदे पर बैठे हैं वो खुद इस चीज को लेकर सरकार को शिकायत कर रहे हैं। जी चलिए जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत ने आज इतिहास रच दिया है और 100 करोड़ का टीकाकरण भारत ने कर लिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसीलिए दुनिया भर में आज भारत की तारीफ भी की जा रही है। तो आज कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ के पार हो चुका है, इसीलिए देश भर में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। जगह जगहों पर जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें लाल किले पर भी एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, अब से थोड़ी ही देर बाद लाल किले पर भी ये कार्यक्रम होगा। तो ऐसे में आज देश भर में टीकाकरण को लेकर 100 करोड़ का रिकॉर्ड भारत ने पार कर लिया है, तो कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एमपी में वायुसेना का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भिंड में के मनकाबाद में क्रैश हुआ है मिराज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिलाष सुरक्षित है, सबसे अच्छी बात यह है कि लेफ्टिनेंट सुरक्षित हैं। तो ऐसे में एमपी में वायुसेना का लड़ाकू विमान ये हादसे का शिकार हो चुका है, भिंड के मनकाबाद में ये मिराज क्रैश हुआ है, लेकिन जो फ्लाइट में पायलट थे अभिलाष सुरक्षित हैं, वो सबसे अच्छी बात यही है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जो विमान में पायलट थे अभिलाष वो सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई, लेकिन क्या परेशानी थी, क्या विमान में हुआ था, किस वजह से क्रैश हुआ था, अभी इस बात की कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ड्रग्स क्रूज शिप मामले में जेल में बंद बेटे आर्यन खान से गुरुवार को शाहरुख खान मुंबई के आर्थर रोड जेल मिलने पहुंचे, और आपको बता दें कई दिनों से जेल में बंद बेटे से पहली बार शाहरुख खान मिलने पहुंचे हैं। ऐसे में बेटे से मिलकर शाहरुख खान ने 15 मिनट तक बात की। आपको बता दें कि बुधवार को सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। आर्यन खान केस में एनसीबी लगातार जमानत का विरोध कर रहा है, और एनसीबी की सभी दलीलें मुख्य रूप से व्हाट्सएप चैट पर आधारित हैं। जब अब आर्यन की जमानत के लिए उसके वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसको लेकर अब अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर बुधवार को देहरादून देर शाम पहुंचे, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अमित शाह उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को आपदा प्रभावित स्थानों का पहले भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, और उसके बाद जॉली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट
अनुरोध पर ही अधिकारियों की बैठक लेंगे। ऐसे में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी चिंता में है। इसी के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें आज कुलगांव में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के जिला कमांडर गुलजार अहमद रेशी समेत दो आतंकियों को मार गिराया है। ऐसे में कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकी बिहार के दो गरीब मजदूरों की हत्या में शामिल थे और दोनों मजदूरों की 17 अक्टूबर को वान पोहो में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इससे पहले दिनों में सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया था। ऐसे में अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ में दो अन्य सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से एक हाल ही में हुई उस व्यक्ति की हत्या में शामिल था जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले के दरगढ़ इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इस दौरान लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिडेंट फ्रंट के दो आतंकवादियों को मार गिराया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को डीजल के दाम 33 से 37 पैसे बढ़े हैं तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी की आमदनी पर असर पड़ रहा है तो लगातार महंगाई की मार जनता झेल रही है। लगातार आज तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं जिससे लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। ये कहाँ से तो पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आपको बता दें 100 रुपए के पार पेट्रोल पहुंच चुका है।